अब आपने भगवान शंकर की आराधना करने के लिंगार्चन भी कर लिया, देख लिया और लिंग का रूप भी समझ लिया, अर्चन भी समझ लिया। अब हम देखते हैं ये मानते क्या हैं शैव लोग। शैव सिद्धांतों में जो सबसे बड़ा, जिसका हमने कल नाम लिया था, इन सारे आगमों के अंदर जो शैव से इनका है, तो उसको हम कहते हैं कि आप एक किताब है, उस किताब को पढ़िए, वो किताब सारे सिद्धांत को आपके सामने रख देगी। उसका नाम है पाशुपात तंत्र। तो पाशुपात तंत्र में 5 पदार्थ माने गए हैं जो सारे शिव दर्शन के पाशुपात आगमक के नहीं, पाशुपात दर्शनों के 6 हैं पाशुपात दर्शन। तो उसमें उसका जो तंत्र है पाशुपात तंत्र, उसके अंदर 5 चीज़ें मानी गई हैं कि ये 5 तत्व हैं सारे जगत के अंदर जो व्याप्त हैं। पहला है कार्य, दूसरा है कारण, तीसरा है योग, चौथा है विधि और 5वां है दुखांत। अब सबसे पहले हम कार्य देखते हैं। ये जो सारा जगत है, स्थूल जगत और चेतन जगत, जीव जिसे कहते हैं, वो चेतन जगत और ये सारा स्थूल जगत, पेड़ पौधे पशु पक्षी सारे, ये सारे के सारे कार्य हैं, शिव कर्ता हैं। भगवान शंकर ने सारे जगत की उत्पत्ति की है, वो ही उत्पत्ति करने वाले हैं। ये सारा तो कार्य है। अब जब हम कार्य को देखते हैं कि ज़मीन गीली हो गई है, बहुत गीली हो गई है, कीचड़ भी हो रही है, तो हम सोचते हैं कि कोई माली अगर पानी देने आया होगा तो कितनी कीचड़ नहीं हो सकती। तो हम लोगों से पूछेंगे कि यहाँ बारिश हुई थी क्या, तो लोग कहेंगे हाँ जी बहुत तकड़ी बारिश हुई थी। तो कार्य को देख करके ही हम कारण का पता लगा सकते हैं, कारण क्या है। इसलिए कार्य का अच्छी तरह निरीक्षण करते हैं लोग। ये कार्य सब भगवान शंकर ने पैदा किया हुआ है, इसका स्वामी कोई है, कौन है इसका कारण। तो सारे कार्य में सारे लोग आ जाते हैं जितने भी हैं, उसमें जीव और अजीव दोनों आ जाते हैं, स्थूल जगत भी आ जाता है, चेतन जगत भी आ जाता है। ये सब चेतन को भी भगवान शंकर ने पैदा किया है और स्थूल को भी उन्होंने पैदा किया, सबके कारण वही हैं। इन कारणों का जो वर्णन है वो आगे वीर शैवों ने अच्छी तरह अपने ग्रंथों में किया है, लेकिन हम उसे यहाँ भी रिपीट कर देते हैं वीर शैव की, कि भगवान शंकर जो कारण है जगत के, वो निमित्त कारण हैं। 3 तरह के कारण होते हैं। एक कुम्हार जब काम करता है, घड़ा बनाता है, तो एक होता है निमित्त कारण। अब वो उसने निमित्त कारण से चाक चलाना शुरू किया, तो चाक को कैसे हाथ से चलाएगा, नहीं एक डंडा होता है, उस डंडे से वो हो गया साधन कारण, सहायक कारण। अब सहायक कारण, लेकिन क्या करेगा, चाक घुमाता रहेगा डंडे से, कुछ है ही नहीं, तो क्या करेगा। तो उपादान चाहिए, मेटीरियल कॉज, एफिशिएंट कॉज और हेल्पिंग कॉज, ये 3 तरह की चीज़ें हो चाहिए हैं। तो भगवान शंकर जो हैं जगत के निमित्त कारण हैं, जैसे कुम्हार चलाता है चाक को, ऐसे इस चीज़ को सारे को चलाने वाले हैं वो। और वो जब चलाते हैं इस चीज़ को, तो किस चीज़ से चलाते हैं, उनके पास शक्ति है, वो शक्ति निमित्त कारण को सहायता करती है। यानी कुम्हार का डंडा है, वो कुम्हार का डंडा उस डंडे के बिना इतने बड़े चाक को घुमा नहीं सकता, तो शिव के अंदर शक्ति है और वो शक्ति जो है वो इनको घुमाती है। इसका हम पहले शुरू में कि भगवान के अंदर अनंत शक्तियाँ हैं, बहुत सारी शक्तियाँ हैं, इतनी शक्तियाँ हैं कि बयान नहीं कर सकते, लेकिन 6 शक्ति प्रधान मानी गई हैं। इसका हमने शुरू में ही वर्णन किया था, दोबारा उसको हम रिपीट कर रहे हैं केवल नाम ही नाम। सबसे पहली शक्ति है चित्त शक्ति, उसके बाद है इच्छा शक्ति, फिर ये क्रिया शक्ति, फिर है आनंद शक्ति, फिर है क्रिएटिव पावर, क्रिएट करने की शक्ति, यानी जिससे हम कहते हैं भव,
भव शक्ति, और एक शक्ति है कि इसको अपने अंदर समाविष्ट करने की, पराभव शक्ति, यानी क्रिलय पैदा करने वाले भी वही हैं और प्रलय करने वाले। तो छह शक्तियां प्रधान हैं, बाकी तो बहुत सारी शक्तियां हैं। तो इन शक्तियों का वीर शैव में डिटेल से वर्णन है। तो इन शक्तियों के सहारे भगवान शंकर क्या करते हैं कि वो निमित्त एक कुम्हार की तरह से घुमाते हैं। अब मटेरियल कहाँ से आएगा, किस चीज़ से घड़ा बनाएंगे, तो माया से, माया उपादान कारण है, मटेरियल कॉज माया है। वो उस माया को लेकर के, ये माया ऐसी नहीं है जो शंकर के वेदांत वाली माया नहीं है, शंकर के वेदांत वाली माया तो अपने आप ही दो काम करती है, आवरण और प्रक्षेप। वो जो असली तत्व है उसको आवरण डाल देती है, उस पर पर्दा डाल देती है, और उसके ऊपर नाम और रूप का आवरण छाप देती है। कुंडल और कंकन एक ही चीज़ हैं, चाहे कुंडल बना लो चाहे कंगन बना लो, दोनों सोना है। लेकिन माया क्या करती है, माया कह देती है कुंडल बना दो जी मुझे, लेकिन सुनार कहता है सोना है, तो दोनों चीज़ें सोनी हैं इस चीज़ की, तो वो सोने को तो सुनार ही देख सकता है, आम आदमी तो कंगन और कुंडल को देखता है। तो माया में फंसा हुआ आदमी तो नाम और रूप के जगत को देखता है, लेकिन ये भगवान शंकर की जो माया है ये आवरण और इस तरह नहीं करती, ये भगवान शंकर की ही शक्ति है निमित्त। ये माया सारे संसार के अंदर अनादि है, ये भी अनंत है, ये भी, ये इस माया को लेकर के भगवान शंकर और इसी से सारे, इसको हम सांख्य की प्रकृति की तरह थोड़ा मान सकते हैं, लेकिन सांख्य की प्रकृति में भी चूँकि सब चीज़ें अपने आप ही निकलती हैं, यहाँ भगवान शंकर उससे बनाते हैं, माया को तो मटेरियल कॉज लेकर के उससे सारा संसार निर्माण करते हैं। तो पहली चीज़ तो हो गई हमारी जो है कारण हो गया। अब भगवान शंकर का तो वर्णन ये भी हमने शुरू कर दिया, दोबारा करने की जरूरत नहीं, जो अजन्मा है, अनंत है, अनादि है, सारा शैव दर्शन जहाँ शुरू किया था कि भगवान शंकर का ना कभी जन्म हुआ है, ना वो कोई उनके अंदर इच्छा नहीं है, निरी है सारे के सारे। तो भगवान शंकर जो हैं सारे के सारे जगत को क्रिएट कर देते हैं। अब तीसरी चीज़ जो आती है योग, योग का मतलब बहुत सीधा साधा है, इसमें आगम तंत्रों में योग का मतलब है जोड़ना, पतंजलि में योग का मतलब है समाधि, युज समाधव। तो पतंजलि वाला तो कहता है कि समाधि की स्थिति में जाना ये योग है, लेकिन हठ योग वालों ने भी यही जो आगम तंत्रों का है, तो इन्होंने योग का मतलब, शैवों ने योग का मतलब दिया जोड़ना, हमारे अंतःकरण के साथ जीव को और भगवान को जोड़ना। भगवान को जोड़ने की क्या तक कैसे, भगवान के साथ हमने जुड़ना है, जब भगवान से अलग हो गया है आदमी जीव तो दुखी होता है, परेशान होता है, और वो जोड़ना चाहता है, तो अंतःकरण को पवित्र करके और वो भगवान के साथ जुड़ना चाहता है। तो योग का मतलब होता है भगवान के साथ जुड़ना, शिव के साथ जुड़ना, और हमारे अंतःकरण के साथ पहले हमारा जीव जुड़ेगा, जीव फिर अंतःकरण शिव के साथ जुड़ जाएगा। तो इसके लिए फिर रास्ता भी चाहिए, विधि चाहिए। तो क्या विधि होगी, भगवान शंकर की दो तरह की अर्चना होती है, एक तरह होती है मंत्र और जाप की। तो एक विधि तो ये हो गई कि मंत्र और जाप भगवान शंकर का करो, लेकिन दूसरी विधि जो है जिसको हम, ये क्रिया विधि हो गई और वो दूसरी कृत्य विधि होगी। तो उस विधि में क्या करेंगे हम, जहाँ भगवान शंकर का लिंग है वहाँ गाना, नाचना, हंसना बड़ी दूर दूर से उसके पास जा कर के, और सबसे बड़ा जो है वो मंत्र, जो बीज मंत्र है सारे आगमों का, जितने भी आगम हैं, चाहे वो शैव आगम हो, चाहे वो पाशुपात आगम हो, चाहे कोई से हो, उनका बीज मंत्र क्या है, वम, वम की आवाज़ निकालना, वम वम, ये लिंग के पास जाओ और वहाँ बम बम क्या। तो वम का जो है शब्द वैदिक साहित्य में नहीं मिलता, जितने भी वैदिक ग्रंथ आपको मिलेंगे चाहे उपनिषद हो चाहे कोई हो, उसमें वम शब्द नहीं मिलेगा। वम शब्द कहाँ मिलेगा, आगम तंत्रों में, आगम में मिलेगा, जैसे शिव शक्ति के आगम में उन्हें फट शब्द मिलेगा, फट,
ये फट शब्द भी वैदिक शब्द नहीं है, ऐसी वम शब्द जो है ये वेदों में नहीं है, वैदिक साहित्य में भी कहीं नहीं है वम शब्द। तो वहाँ या तो अपने तालु को, जीव को तालु के साथ लगा करके बैल जैसी आवाज़ निकालो, और या बीज मंत्र का उच्चारण करो जोर जोर से, अट्टहास करो, हंसो बड़ी जोर जोर से, और हंसते हो नाचते हुए सारे के सारे। दूसरा तरीका क्या है, इसको तो उन्होंने कहा ये तो है व्रत, और एक तरीका है उनका जिसको उन्होंने कहा यह द्वार, भस्म मलो अपने शरीर पर, जहाँ चिता की भस्म हो उसके अंदर शयन करो जा करके, भस्म धारण करो, उसका टीका लगाओ जा करके। तो इस तरह से भगवान शंकर के को प्राप्त करने के लिए विधियाँ बताई हैं उन्होंने, ये विधियाँ हैं। इन विधि के द्वारा भगवान शंकर जब प्रसन्न हो जाएंगे आपको, तो प्रसन्न होने के बाद आपका असली काम करेंगे फिर वो। ये विधि हो गई, और विधि के बाद फिर आएगा दुखांत। पहले हो गया आपका कार्य, फिर हो गया कारण, कारण को जान लिया आपने, शिव कारण है सबके, तो अब शिव को मिलने के लिए योग चाहिए। मैं तो उस कारण से मिलना चाहता हूँ, तो शैव शिव लोग ये भगवान शिव से मिलना चाहते हैं, भगवान शंकर बड़े कृपालु हैं, तो उस मिलने के लिए योग हो गया कि योग के लिए जुड़ना है भगवान शंकर से। अब जुड़ने के बाद क्या किया, इन्होंने विधि बता दी, दोनों तरह की, व्रत भी विधि बता दी, द्वार भी बता दिया। द्वार वाला ज़रा ज़्यादा कठिन है, क्योंकि भस्म धारण करो, भस्म मुँह पर मलो, भस्म में जा कर आप सो जा करके, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हो गई, ये कठिन है। तो ये जाप और मंत्र, ये वम का उच्चारण करना, बैल की ध्वनि निकालना, हंसना नाचना, भगवान शंकर के चारों तरफ गाने गाना, भजन गाना, और ज़ोर ज़ोर से अट्टहास करना, ये सारा काम जो है बैल की आवाज़ निकालना, और जो शब्द है मूल शब्द है वम 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 का उच्चारण करना, ये सारा काम जो है ये विधि हो गई भगवान शंकर से मिलने की। अब आपको विधि भी प्राप्त पता लग गई, भगवान शंकर मोक्षदा हैं, अपने भक्तों को मोक्ष देने वाले हैं। तो जब हम भगवान की शरण में चले गए और हमें विधि भी पता लग गई, तो हमें मोक्ष की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको कहते हैं दुखांत। दुखांत की वही परिभाषा दी है इन्होंने जो संस्कृत में आम परिभाषा है, यानी दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति। हम संसार में रहते हैं, तरह तरह के दुख होते हैं, हमारे जीवन में सारा जहर भरा हुआ है। अब इस दुखों की निवृत्ति करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें शिव के साथ मिलना पड़ेगा, क्योंकि शिव ही मोक्षदा हैं। ये आगम ग्रंथों में बड़े स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आपकी कोई भी क्रिया और आपका कोई भी कर्म आपको मोक्ष नहीं दिला सकता जब तक भगवान शंकर की अनुकंपा ना हो। ये अनुकंपा भी, जहाँ वो इतनी शक्तियाँ हैं उसमें ये अनुकंपा भी एक शक्ति है। अनुकंपा का मतलब है कृपा करने की शक्ति। भगवान शंकर अपार कृपा करते हैं। भगवान शंकर की कृपा जो है ऐसी है कि बड़े से बड़ा प्राणी ने तारत अंक लिखे विधना के। विधाता ने अगर कोई आपके भाग में अंक खराब लिख दिए हैं कि तेरे जीवन में ज़रा सा भी सुख नहीं मिलेगा, लेकिन भगवान शंकर अगर प्रसन्न हो गए तो क्या करेंगे, वो विधाता का लिखा हुआ भी मिटा देंगे। तारत लिखे अंक कुभाल के, भाल के अंदर कुअंक भी रखे हैं, खराब भी लिखा है, भाग किस्मत खराब लिखी है, तो भगवान शंकर की अनुकंपा कृपा बहुत अपार है, और वो अनुकंपा के बिना भगवान शंकर के आपको मोक्ष नहीं मिलती, चाहे कितनी कोशिश कर लो। इसलिए भगवान की अनुकंपा लिंग अर्चना से प्राप्त होगी, लिंग अर्चना करोगे तो उनकी कृपा प्राप्त होगी। तो मोक्ष जो है वो दो प्रकार की इन्होंने मानी है, एक तो मानी है नेगेटिव वे में, नकारात्मक उसका, जो बौद्धों के निर्वाण से जा करके मिल जाती है, यानी दुख का अंत हो जाएगा, लेकिन उसके आगे क्या होगा ये कुछ बौद्धों ने नहीं कहा निर्वाण में। तो ये कहते हैं मोक्ष दो तरह की है, एक मोक्ष तो ये है कि आपके दुखों का सारा अंत हो गया, और दूसरी मोक्ष ऐसी है कि आपको अखंड ऐश्वर्य प्राप्त हो गया,
ऐश्वर्य का मतलब आनंद और हर तरह का ऐश्वर्य। तो दोनों तरह की मोक्ष भगवान शंकर की अनुकंपा से। तो पांचों तत्व जो हैं, ये पाशुपत सारे जितने आगम हैं उनमें ये पांच ही तत्व माने गए हैं। अंतिम तत्व यही है कि दुखांत जो है, दुखांत के इसलिए कि भगवान शंकर मोक्षदा हैं, उनकी कृपा से ही मोक्ष प्राप्त होगी। तो उनकी अनुकंपा, उनका अनुग्रह प्राप्त करने के लिए विधियाँ सारी बता दी हैं और शिव रचना को सबसे ज़्यादा बताया है। तो इन पांचों तत्वों से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। तो ये हमारा पाशुपात मत है, जिस पाशुपात तंत्र में सारा का सारा ये पांच तत्वों का ही काम किया गया है।